दोस्तों हम लोग जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम लोग पाइपलाइन के थ्रू वाटर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ले जाते हैं। ओके, अब दोस्तों इन पाइप लाइन्स में कैसे कैसे जॉइंट हम लोग यूज करते हैं तो इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग वाल्व्स के बारे में पढ़े थे, तो दोस्तों आज हम लोग एयर वाल्व्स के बारे में जानेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये है देखिए एक पाइपलाइन की टिपिकल लेआउट। ओके सो फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं समिट पॉइंट। ओके दोस्तों, हम लोग इस समिट पॉइंट में गेट वाल्व और स्लुइस वाल्व को हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग कह रहे हैं गेट वाल्व। ओके सो दोस्तों, इन गेट वाल्व के पास में हम लोग डाउनस्ट्रीम साइड में और एक वाल्व रखते हैं, तो इस वाल्व को हम लोग क्या कह रहे हैं, एयर वाल्व। ओके एयर वाल्व दोस्तों, हम लोग इसको एयर रिलीफ वाल्व भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसे ये काम करता है, इसका काम क्या है, तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक लेसन को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, देखिए जब वाटर पाइपलाइन कैरी करता है तो देखिए इसके साथ एयर बबल्स भी आता है। ओके ऐसे एयर बबल्स आता है। और फ्रेंड्स, जो समिट पॉइंट है, इस समिट पॉइंट में देखिए एयर आके एक्यूमुलेट होता है। ओके और इस एयर एक्यूमुलेशन के वजह से दोस्तों इस समिट पॉइंट में एक नेगेटिव प्रेशर जेनरेट होता है। ओके फ्रेंड्स, इस नेगेटिव प्रेशर के वजह से जो वाटर फ्लो है, वाटर फ्लो में दिक्कत आता है। ओके वाटर फ्लो सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग एयर रिलीफ वाल्व को यूज करते हैं इस नेगेटिव प्रेशर को रिलीज करने के लिए। ओके अब दोस्तों एयर रिलीफ वाल्व के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। सो पहले हम लोग एक पिक्चर देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है आपका मेन पाइपलाइन। ओके तो इसके अंदर से देखिए वाटर फ्लो कर रहा है। अब दोस्तों वाटर में एयर बबल्स प्रेजेंट है जो समिट पॉइंट में आके एक्यूमुलेट होता है। ओके अब दोस्तों इस एयर बबल्स के एक्यूमुलेशन के वजह से देखिए एक नेगेटिव प्रेशर जेनरेट होता है। ओके अब दोस्तों नेगेटिव प्रेशर जेनरेट होने के वजह से देखिए इधर देखिए जो वाटर लेवल है वो भी आपका धीरे धीरे नीचे आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ओके अब दोस्तों देखिए इधर एक हिंज लगा हुआ है। दोस्तों ये है आपका हिंज। ओके और इसके साथ देखिए एक आर्म लगा हुआ है और ये है आपका फ्लोट। अब दोस्तों ये फ्लोट जो है कुछ इस तरीके से आपका मूव कर सकता है। ओके सो फ्रेंड्स, देखिए जैसे जैसे आपका वाटर लेवल नीचे आएगा नेगेटिव प्रेशर के वजह से, फ्लोट भी है नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और इसके वजह से देखिए ये भी आपका नीचे आ जाएगा। और जो ये है देखिए पापेट वाल्व। सो फ्रेंड्स, जैसे आपका पापेट वाल्व नीचे आ जाएगा तो यहां से आपका एयर बाहर रिलीज हो जाएगा। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका एयर रिलीफ वाल्व एक्ट करता है। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों मिलते हैं अगले लेसन पे।